जब उस दिन किस्मत से हैली और न्यूटन की मुलाकात हुई तो वो एक तरह से एकांतवासी कर रहे थे। न्यूटन ने इस तरह छिपकर रहना 13 साल पहले तब शुरू किया था जब रॉबर्ट हुक ने सरेआम उन पर लाइट और कलर से जुड़े अपने काम को चुराने का इल्जाम लगाया था। असल में रॉबर्ट हुक के बजाय आइजक न्यूटन ने ही स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के राज को सुलझाया था। ये घाव इतना गहरा और दर्द भरा था, न्यूटन ने तय कर लिया था अब कभी वो लोगों के सामने अपनी ऐसी बेइज्जती नहीं होने देंगे। सर, मेरे ख्याल से आपको याद नहीं होगा लेकिन कुछ साल पहले हम मिल चुके हैं। जी हाँ मिस्टर हैली, माफ कीजिएगा मैंने तकलीफ दी। फॉर्मेलिटीज छोड़िए, कहिए कैसे आना हुआ? मैंने हमारे कुछ दोस्तों से बात की थी, मिस्टर रेन और मिस्टर हुक से। वो मक्कार हुक मेरा दोस्त नहीं है। जी मैं समझता हूँ सर, मगर दरअसल बात यह है कि हम प्लैनेटरी मोशन के मुश्किल सवाल पर उलझ गए हैं। इतना तो हम सब मानते हैं कि सूर्य के किसी खिंचाव की वजह से सारे ग्रह इस तरह से घूमते हैं, मगर हमें लगता है कि दूरी के साथ ये खिंचाव क्यों बदलता है, इसे समझाने के लिए कोई मैथमेटिकल लॉ जरूर होगा। और आपकी महारत को जानने की वजह से। जी हाँ, ग्रेविटी का खिंचाव दूरी के साथ कमजोर होता जाता है, इसीलिए तो ग्रह एलिप्सिस में घूमते हैं। लेकिन सर, इसका पता कैसे लगा सकते हैं? मैंने ये कैलकुलेशन 5 साल पहले ही कर लिया था। सर क्या आप मुझे वो दिखा सकते हैं? वो कैलकुलेशन यही कहीं पे था। खैर कोई बात नहीं, मैं उसे दोबारा कर लूंगा और आप तक पहुंचा दूंगा। ये तो कमाल हो गया, हमें इसके बारे में पहले पता क्यों नहीं चला? न्यूटन को अच्छे से याद था पिछली बार जब उन्होंने अपनी बात रखी थी तो हुक ने उनके साथ क्या किया था। हैली ने शायद सोचा ही होगा कि न्यूटन उन्हें वैसे ही कच्चा दे रहे हैं जैसे हुक दे चुके हैं, कि तभी एक आदमी ने उन्हें न्यूटन का लिफाफा दिया।